स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। नायब सिंह सैनी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बार मुख्यमंत्री बने हैं और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनते ही एक और इतिहास। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए नायब सिंह सैनी की ही अगुवाई में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा गया था और अब नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। और आपको बताएं, इससे पहले 54 दिन का उनका कार्यकाल था और 54 दिन के कार्यकाल में नायब सिंह सैनी ने जनता से इस बात का वादा किया था कि दूसरी बार अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो हरियाणा की जो तमाम समस्याएं हैं, जो तमाम वादे किए हैं, वो पूरे कर दिए जाएंगे। इस वक्त गुफ्तगू करते हुए मंच पर मौजूद ये स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी एक बड़ा खुशी का विषय जरूर रहा होगा जब हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार अनिल विज जी को